नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा RET 2021 की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतिम वरीयता सूची एवं आवश्यक दिशा निर्देशों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। रीड मोर न्यूज सेक्शन के अंतर्गत दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान 4 फरवरी 2022 RET 2021 फाइनल मेरिट लिस्ट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। शोध पात्रता परीक्षा RET 2021 की प्रवेश सूची। शोध पात्रता परीक्षा RET 2021 की प्रवेश सूची जारी की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश सूची के संदर्भ में। RET 2021 ABST कैटेगरी अलॉटेड सीट रो नंबर एवं नेम के संदर्भ में हम जानकारी यहां आसानी से ले सकते हैं। EFM इंग्लिश, लो संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, जियोग्राफी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। टोटल 16 विषयों की जो वरीयता सूची है जारी की गई है। इस PDF फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम आवश्यक दिशा निर्देशों के संदर्भ में। कोर्स वर्क का शुल्क ₹16,850 निर्धारित है। कोर्स वर्क की निर्धारित फीस का डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 7 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 समय दिया गया है 4:30 तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कमरा नंबर 106 में जमा करवा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें कोर्स वर्क की फ़ीस जमा करानी होगी। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है और इसकी फ़ीस ₹16,850 निर्धारित की गई है। डिमांड ड्राफ्ट हम जमा करा सकते हैं 7 फरवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 साय 4:30 तक। एड्रेस दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कमरा नंबर 106 में हम जमा करा सकते हैं। कोर्स वर्क फीस हेतु डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट का एड्रेस दिया गया है रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। इस नाम का हमें किसी भी बैंक के अंदर हमें जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। नगद या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। शोध से संबंधित शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अनुसार है। कोर्स वर्क के दौरान नियमानुसार अन्य शुल्क का भुगतान शोधार्थी द्वारा समय समय पर करना आवश्यक है। शुल्क का विवरण राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की नवीनतम प्रवेश विवरणिका के पृष्ठ संख्या 42 पर उपलब्ध है, तो इसका अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी 7 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 समय दिया गया है 4:30 तक कोर्स वर्क फी जमा नहीं करवाता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से अगले अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा। सेवारत अभ्यर्थी को संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, ऐसे अभ्यर्थी जो सेवारत है इन्हें NOC देनी होगी 15 फरवरी 2022 समय 4:30 तक। इसके अभाव में कोर्स वर्क में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से अगले अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय परिशिष्ट ड
शपथ पत्र या बयान के आधार पर ओबीसी नॉन क्रिमिलर एमबीसी नॉन क्रिमिलर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन अभ्यर्थियों को नवीनतम ओबीसी नॉन क्रिमिलर एमबीसी नॉन क्रिमिलर जाति प्रमाण पत्र दिनांक 15 फरवरी 2022 समय दिया गया है 4:30 तक जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में कोर्स वर्क में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से अगले अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो नोट है यहाँ पर दिया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने परिशिष्ट ड शपथ पत्र या बयान के आधार पर ओबीसी एमबीसी के जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं इन्हें समय दिया गया है 15 फरवरी 2022 4:30 तक का। अगर ये जमा नहीं करा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें कोर्स वर्क में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची में से जो अगला अभ्यर्थी होगा उसे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ 6ठा पॉइंट और 7ठा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोध में प्रवेश हेतु आरक्षण आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार होगा। 16 विषयों के अभ्यर्थियों की जो सूची है यहाँ पर दी गई है इसका अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। टोटल सीट कितनी है और कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में रखा गया है इसकी सूचना भी हमें यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEV TCHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।